नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मुगल साम्राज्य के दौरान पेंटिंग। ठीक है, तो इस समय में जो है मुगल शासक जो थे चित्रकला के बहुत प्रेमी थे, महान सरपरस्त थे। जैसे उन्होंने अगर बात करें तो इमारतें बनवाई थी, है ना, उनके द्वारा जो थी इमारत स्मारक निर्माण कला में उनका बहुत जो है अगर बात करें तो बहुत अच्छी खूबसूरत जो है उन्होंने इमारतें बनवाई। तो वैसे ऐसे ही जो है उन्होंने जो है चित्रकारी में भी जो है काफी जो थे इसके सरपरस्त थे, उन्हें जो था इन इसके बारे में जो है महान सरपरस्त थे। और मुगल राजकाल के समय में जो है इस कला का जो है बहुत विकास होता है। ठीक है, तो मुगल्स के द्वारा इस मतलब के पेंटिंग चित्रकारी का चित्रकला का काफी विकास हुआ। तो मुगल शासक जो है शासक पहले कौन थे, बाबर, और सेकंड कौन थे, हुमायूं। ठीक है, बाबर एंड हुमायूं। तो इन दोनों शासकों ने जो है बहुत दिलचस्पी रखते थे ये चित्रकला में। ठीक है, हुमायूं ने दो प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद और सैयद अली को जो था ईरान से जो है अपने लिए जो है दिल्ली बुलाया था। ये दोनों ही चित्रकार थे किन्होंने बुलाया था, हुमायूं ने, किन्हें, अब्दुल अब्दुल समद अब्दुल समद और सैयद अली। ये कहां से मंगवाए थे हुमायूं ने, ईरान से। ठीक है, ईरान से जो है इन्हें चित्रकारी कार्य के लिए जो ईरान से दिल्ली बुलाया था हुमायूं ने। उस समंद मंद, ठीक है, उसके बाद जो है इस विभाग में जो उसके बाद जो अकबर अकबर में के समय में भी जो है चित्रकला का बहुत विकास हुआ। ठीक है, तो अकबर के दौरान भी जो है इस मतलब कि चित्रकला कला में जो है काफी विकास हुआ, और अलग विभाग इन्होंने तो चित्रकला का अलग विभाग भी की भी स्थापना की। ठीक है, एक अलग जो है डिपार्टमेंट भी बनाया इन्होंने। डिपार्टमेंट बनवाया कि इन्होंने, अकबर ने जो है इसकी स्थापना की, और इस विभाग में उन्होंने पुस्तकों में जो है चित्रकारी करने के साथ साथ जो है बादशाहों की तस्वीरें जो थी, ठीक है, भी बनवाई उन्होंने जो था। देखो, पहले तो पुस्तकों में जो है चित्रकारी करवाई जाती थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ के साथ जो है बादशाह थे जो उनकी चित्रकारी भी करवाई। ठीक है, बुक्स में पेंटिंग करवाई, और जो है बादशाह किंग्स जो थे उनकी चित्रकारी के लिए भी जो है इन्होंने जो इस डिपार्टमेंट की स्थापना की, तो उसमें जो है ये काम सौंपा गया कि आपको जो है चित्रकारी मतलब बुक किताबों में जो है उनमें भी करनी है, पुस्तकों में भी करनी है, और जो है राजे महाराजों की जो बड़ी पेंटिंग्स होती थी वो भी जो है वो बनवाते थे। ठीक है, और जो था उनके उन्होंने जो है दसवंत और बासवान अकबर के जो दो प्रसिद्ध जो थे चित्रकार थे, अकबर के दरबार में दो प्रसिद्ध जो थे चित्रकार थे वो कौन कौन थे, दसवंत ठीक है, सेकंड कौन थे, सेकंड थे बासवान, बासवान। तो ये दोनों ही जो है अकबर के दरबार में चित्रकार थे, बासवान। हाँ जी, उसके बाद आ गए जहांगीर। जहांगीर, तो जहांगीर भी एक जो है खुद अच्छे चित्रकार थे, वो खुद भी जो है पेंटिंग्स जानते थे, वो खुद एक अच्छे लेखक भी थे, ठीक है, विद्वान भी थे, और साथ ही साथ जो है उन्हें चित्रकारी में भी जो है दिलचस्पी थी।
ठीक है, और उनके राजकाल के दौरान जो था सूक्ष्म चित्रकारी का जो है विकास हुआ, ठीक है, और उसके बाद उस्ताद मंसूर अबुल हसन, मंसूर अबुल हसन, फारूक बेग, माधव, तो ये सारे जो थे यहांगीर के दरबार के जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है, क्लियर है। तो ये मुगल साम्राज्य के दौरान जो है बाबर हुमायूं के दौरान कौन थे, हुमायूं ने जो था अब्दुल समंद और जो है सैयद अली को जो है ईरान से दिल्ली बुलाते हैं पेंटिंग के लिए, और जो है अकबर बादशाह ने जो है डिपार्टमेंट ही इसका नियुक्त किया, और उसमें जो है बुक्स में चित्रकारी करने के और महाराजों की जो है पेंटिंग्स करने के लिए जो है मतलब करते हैं, ठीक है। इसमें जो है दसवंत, ठीक है, और दूसरे थे बासवान, तो इन दोनों को जो है ये शाही दरबार में जो है चित्रकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जहांगीर, तो जहांगीर जो थे उसमें उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, फारूक बेग और माधव जो थे इनके दरबार में चित्रकार थे, और ये खुद भी एक जो है अच्छे चित्रकार थे, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गए मुगल बादशाह के जो है पेंटिंग्स पे।